अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, मेरा नाम शेख मोइन है और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा सवाल है कि आजकल औरतें भी टीवी चैनल्स पर दावा दे रहे हैं, दावा का काम करती है, तो अक्सर बहुत से इस पर डिसेंट रहते हैं, बुरखा वगैरह खुल रहे तो आग भी नहीं दिखती, बट अक्सर बहुत से चैनल में देखने में आया क्या मेकअप में रहती है। कुछ कुछ चैनल में तो बुरखा वगैरह कुछ भी नहीं, बाल सर पे पड़ होकर भी बाल पूरे दिख रहे हैं, मर्दों के साथ स्टेज शेयर किया जा रहा है, बड़े इससे डिस्कशन जो किया जा रहा है, तो उसका दायरा क्या होना चाहिए? और बैकग्राउंड में बहुत सी बार मतलब कुरान हदीस चल रही है और म्यूज़िक भी चलता है, तो म्यूज़िक की क्या लिमिट होनी चाहिए? भाई ने एक सवाल किया है कि मीडिया वुमेन, औरतों का मीडिया में, खासतौर से उन्होंने कहा कुछ चैनल्स है जो मजहबी चीज़ें बताते हैं या कल्चरल भी हो सकते हैं, उसमें औरत को बताते हैं, कभी कभार पर्दा होता है लेकिन मेकअप के साथ कभी बेपर्दा होती है, तो मीडिया में औरतों का क्या मामला हो, कैसे हो, कभी म्यूज़िक भी चलता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मीडिया में हमको जाना है तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हमें चलना है कि मीडिया का हमें सही इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई मीडिया है जिसके थ्रू आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ औरतों का आना भी कुछ जगह ज़रूरी होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनकी बात है, उनके क्या सोच है, समाजी कोई मसला है, इसी तरह दीनी कोई मसाइल है जो उनको डिस्कस करना है, ऐसे शोज़ ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जो सिर्फ उनके लिए हो, लेकिन इसमें भी पूरे कंडीशंस और शरायत जो एक खातून के लिए होते हैं जब वो मीडिया में आए या गैर महरम के सामने आए, तो वो ख्याल रखा जाएगा। इन शरायत वगैरह को देखने के लिए बहुत सारे फतावा जो है मुफ्तियान के मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर उसको बहरहाल पढ़ें, तब आपको पता चलेगा उसकी कंडीशंस क्या है, हालात क्या हैं। हाँ, ये अलग बात है कोई खबर नशर की जा रही है और वो हालात वहाँ हो रहे हैं, उस हालात में अगर कोई लाइव चीज़ जा रही है जिसमें किसी के साथ बदसलूकी हो रही है और वो ज़रूरी है ताकि हाईलाइट हो तब उसको सज़ा मिले, तो वो तो एक अलग कंडीशन है, लेकिन इन जनरल जब आप स्टेज पर हैं या स्टूडियो में सेट पर रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं कि लाइव हालात देना है, तो बहरहाल ये कंडीशन में वो बापर्दा हो, पर्दे की जो हदूद है, जो कंडीशन शरायत को माने, खुशबू वगैरह लगाना तो अमूमी हालात में मना है, तो जाहिर सी बात यहाँ भी होगा, लेकिन खुशबू का ताल्लुक वीडियो से तो नहीं है, लेकिन वहाँ के अतराफ़ के लोगों से जाहिर सी उसका ताल्लुक है। इसी तरह वो आएंगी तो क्या बात करेंगी, कैसी बात करेंगी, कौन से प्रोग्राम्स होंगे। इसी तरह आपने जैसा कहा कि कभी कभार म्यूज़िक वगैरह होती है, देखिए इस्लाम में म्यूज़िक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, कुछ उलमा ने आवाज़ें, वो आवाज़ें जिसको वोकल्स बोलते हैं या अलाप बोलते हैं आम जबान, अलाप जैसा कि कोई जब आवाज़ निकाल के कुछ तो भी होता ना, ह्यूमन वॉइसेस का इस्तेमाल है, ठीक है, या कुछ उसने नशीद वगैरह या फिर कुछ जिसको कहेंगे अल्लाह की शान में हमद सना की कोई नज़्म है वो डाल दे सकते हैं, या फिर नात होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया जा सकता है, तो ये तमाम चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन उसके अपने दायरे हैं। या फिर नेचुरल साउंड्स हैं, चिड़िया की आवाज़, पानी के झरनों की आवाज़, ये नेचुरल चीज़ है, इनकी भी डालने का जवाज़ मिलता है, तो लिहाजा इन चीज़ों का मतलब उसके कंडीशंस है, मतलब जब हमने मीडिया की बात की तो बिल्कुल ये नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो भी हम करके बताएंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये एक समझने वाली चीज़ है, तो उसके अपने लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को हमारा काम है जो मीडिया हम लोग चलाते हैं मुसलमान, कि उन लिमिटेशन को, इस्लामिक जो स्पेशल लिमिटेशंस हैं उसका खास ख्याल रखें, और ख्याल रखते हुए उसके दायरे में काम करें, वरना फिर वही मसला है कि मीडिया के ज़रिए खैर तो कम पहुँचेगा और ज़र और शर की चीज़ ज़्यादा आ जाएंगी, कि लोग औरतों को देखने शायद फिर प्रोग्राम देखने लगे, या फिर इस तरह से बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी कि लोग उसको देख कर वो समझे ऐसा जायज़ है और शुरू कर देंगे, तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि उसमें राइट काइंड ऑफ गाइडेंस हो जो मीडिया हाउसेस मुस्लिम उलमा से ले और उसके बाद इंशाल्लाह वो करे, लेकिन औरत का रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, वो आ सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो गाइडलाइंस ले। सेम मर्दों के लिए भी लागू है कि मर्द भी आते हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो भी गाइडलाइंस लें। विदाउट गाइडलाइंस अगर मनमानी करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि हम जो है शरीयत के मुखालिफ कोई काम कर ले और समझे कि हम इस्लाम को और मुसलमानों को शायद फ़ायदा पहुँचा रहे, तो इसका खास हम लोग जो है ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।